आज आपकी मीटिंग हुई है, पार्टी की पीएससी और एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई और उसके अंदर घोषणा पत्र के अधिकतम बिंदु हमने फाइनल करे हैं। जैसे किसान की फसल खराबे में जो फैसला हमने 4 साल पहले किया था कि 7,000 को बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रति एक एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, पार्टी आने वाले भविष्य के अंदर उस 15,000 को बढ़ाकर भी 25,000 रुपये प्रति के एकड़ करने का काम करे। इसी प्रकार से टीचिंग में, चाहे वो स्कूल टीचिंग हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचिंग, पार्टी की पीएससी ने ये अप्रूव किया है कि गवर्नमेंट बनने पर 50% टीचिंग पोस्ट हरियाणा प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएगी, जिससे महिला टीचर की संख्या बढ़े। और जो ये घटनाक्रम बारी बारी छेड़छाड़ के, मोलेस्ट्रेशन के, रेप के होते हैं, जब महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं वो वातावरण हमारी बेटियों को सुरक्षा का भी इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। अनेक और बिंदु हैं और नॉमिनेशंस के दौरान ही पार्टी कंसोलिडेटेड अपना घोषणा पत्र लाने का काम करेगी। 17 जिलों पर चर्चा हुई है, बचे 5 जिलों की बैठक कल है, कल शाम से पहले, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के साथ भी कल बैठक है, उनके साथ जो 20 सीटें कौन कौन से जिले में फाइनल करनी है वो कर पार्टी कल देर शाम तक पहली सूची अपनी घोषित कर। आज आपकी मीटिंग हुई है, पार्टी की पीएससी और एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई और उसके अंदर घोषणा पत्र के अधिकतम बिंदु हमने फाइनल करे हैं। जैसे किसान की फसल खराबे में जो फैसला हमने 4 साल पहले किया था कि 7,000 को बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रति एक एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, पार्टी आने वाले भविष्य के अंदर उस 15,000 को बढ़ाकर भी 25,000 रुपया प्रति के एकड़ करने का काम करे। इसी प्रकार से टीचिंग में, चाहे वो स्कूल टीचिंग हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचिंग, पार्टी की पीएससी ने ये अप्रूव किया है कि गवर्नमेंट बनने पर 50% टीचिंग पोस्ट हरियाणा प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएगी, जिससे महिला टीचर की संख्या बढ़े। और जो ये घटनाक्रम बारी बारी छेड़छाड़ के, मोलेस्ट्रेशन के, रेप के होते हैं, जब महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं वो वातावरण हमारी बेटियों को सुरक्षा का भी इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। अनेक और बिंदु हैं और नॉमिनेशंस के दौरान ही पार्टी कंसोलिडेटेड अपना घोषणा पत्र लाने का काम करेगी। 17 जिलों पर चर्चा हुई है, बचे 5 जिलों की बैठक कल है, कल शाम से पहले, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के साथ भी कल बैठक है, उनके साथ जो 20 सीटें कौन कौन से जिले में फाइनल करनी है वो कर पार्टी कल देर शाम तक पहली सूची अपनी घोषित कर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।